Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil. I am a distributor of the Glitch Trading India Private Limited. दोस्तों ये जो वीडियो बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक पे है कि अगर आप ग्लिच में काम करते हो, तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी गारंटी है कि आपका जो प्रमोशन है इस महीने में होने वाला है। हाँ मैडम, आपका इस महीने में प्रमोशन होने वाला है, चाहे आपका लेवल सी डी हो, पी डी हो, ई डी हो। लेकिन मैं आज स्पेशली जो बात करने वाला हूँ, सी डी से पी डी अगर आप इस तरह से काम करते हो तो आपको सी डी से जो पी डी है आपका प्रमोशन इसी महीने में डन होने वाला है, यानी 30 दिनों के अंदर में आपका सी डी से पी डी प्रमोशन हो जाएगा। तो क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे आपको करना है, सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप सी डी लेवल पे काम करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लेज कंपनी में क्या काम होता है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ग्लेज कंपनी में क्या काम होता है तो आपको ये आइडेंटिफाई करने में काफ़ी समस्या होगा कि आपको सी डी से पी डी कैसे बनना होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सी डी से पी डी बनने के लिए आपको जैसे आप डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। आप कुछ लोग पूछते हैं डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब सिंपल सही होता है कि जैसे आपने आपको अपने अपलाइन ने बुलाया और आपको ज्वाइन कराया, वैसे ही आपको डायरेक्ट लगाना है। सिंपल सा डायरेक्ट का मतलब यही होता है कि आपको जैसे आपको अपलाइन ने बुलाया और आपको ज्वाइन कराया और आप काम कर रहे हो, वैसे ही आपको सिंपली वैसे ही सेम मैनर में आपको भी फॉलोअप करना है, चीज़ों को देखना है, समझना है, और वैसे ही आपको भी ज्वाइन कराना है लोगों को ग्लेज कंपनी में, और डाउनलाइन आपके नीचे ज्वाइन होंगे। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट तो आशा करता हूँ आप डायरेक्ट समझ पाए होंगे कि डायरेक्ट क्या होता है और आपको डायरेक्ट लगा कर कैसे आपको प्रमोशन होना है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट लगाया जाता है कंपनी में। अगर हम बात करते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस की, तो नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि ग्लेज कंपनी के अलावा अगर आप काम कर रहे हो तो आप काम करते रहिए और डायरेक्ट इस वीडियो में प्लान कैसे करना है आपको। सिंपली अगर आपको ये ट्राई करना है, अगर आप सी डी से पी डी बनना चाहते हो तो आपको पता होगा एक महीने में आपको 1200 PV करना पड़ता है। यानी 1200 PV की बात करें तो 1200 PV का मतलब कि आपको 4 डायरेक्ट लगाने हैं। हाँ बैठ आपको 4 डायरेक्ट लगाने हैं। अगर आप 4 डायरेक्ट किसी एक पर्टिकुलर मंथ में लगा लेते हो तो आपका प्रमोशन हो जाता है। सपोज आप इस महीने में या तो अगले 30 दिनों के अंदर में किसी एक पर्टिकुलर मंथ में, यानी एक कैलेंडर मंथ में बात कर रहा हूँ, एक कैलेंडर मंथ में अगर आपने 4 डायरेक्ट लगा लिए तो आपका जो प्रमोशन हो जाएगा सी डी लेवल का प्रमोशन हो जाएगा। तो 4 डायरेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि इस महीने आपका सी डी से पी डी प्रमोशन हो, यानी 30 दिनों के अंदर में सी डी से पी डी प्रमोशन होए, तो आपको पहले दिन ही अपने अपलाइंट के पास बैठना है, उसे बोलना है कि मुझे इस महीने में किसी भी कीमत पर सी डी से पी डी बनना है। तो वो लोग जो बोलते हैं आप उसको फॉलोअप करिए। अगर आप उसको फॉलोअप करते हो तो डेफिनेटली आपका जो प्रमोशन है वो सी डी से पी डी हो जाएगा। क्योंकि मेरा प्रमोशन ऐसे हुआ था, मैं आपको बता दूं, अगर आप सी डी से पी डी प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से सी डी से पी डी प्रमोशन हो सकता है। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है सी डी से पी डी बनने का। सी डी से पी डी बनने के लिए आप अपने अपलाइन से बोलेंगे तो आपका अपलाइन आपको कुछ नंबर की शॉर्टिंग करके देगा, लिस्ट की शॉर्टिंग करेगा, लिस्ट शॉर्टिंग करके आपको अप्रोच करवाएगा, अप्रोच करवा के आपको बेस पी सी दिखाएगा, सेमिनार दिखाएगा। इस प्रकार से आप पर्टिकुलर मंथ में करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो, सच में चाहते हो आप खुद से प्रमोशन लेना, तो खुद से प्रमोशन ले सकते हो बिना अपलाइन के। तो आपको खुद से ही लिस्ट की शॉर्टिंग करनी पड़ेगी, लिस्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, गेस्ट को वेबिनार दिखाना पड़ेगा, यानी सेमिनार दिखाना पड़ेगा, सेमिनार के बाद जो ज्वाइन कराना पड़ेगा, आपको अपलाइन की सपोर्ट लेना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप शॉर्टिंग करना चाहते हो तो आपको 4 लोगों को ग्लेज कंपनी में ज्वाइन कराने के लिए, हाँ मैडम, आपको 4 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए कम से कम आपके पास 40 की लिस्ट होनी चाहिए। आप 40 की लिस्ट है, आपको 40 लोगों को अप्रोच करिए, आप 10-10, 5-5 लोग को रोज़ रोज़ अप्रोच करिए, और उसमें से देखेंगे अगर आप 10 को ज्वाइन अप्रोच करते हैं तो उसमें से कोई एक ही ज्वाइन करता है। हमारे पर अगर आप 10 को अप्रोच करेंगे तो कोई एक ज्वाइन करेगा। तो इस प्रकार से अगर आप 4 लोगों को ज्वाइन कराना है तो आपको 40 को अप्रोच करना पड़ेगा, और वो भी 5 BC देखेंगे तो उसमें से ज्वाइन करता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान भी करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बिज़नेस को देखने के लिए आए। जब क्योंकि जब लोग आएगा तभी आपके साथ ज्वाइन करेगा, अगर लोग आएगा ही नहीं तो क्या ज्वाइन करेगा। इसलिए आपको ट्राई करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कराना, ताकि आपका जो बिज़नेस रहे आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े और आपका 30 दिन के अंदर में सी डी से पी डी प्रमोशन हो जाएगा। क्योंकि अगर 4 लोग भी ज्वाइन कर लिया तो 4 लोग ज्वाइन कर लिया तो समझ लीजिए आपका सी डी से पी डी प्रमोशन ऑटोमेटिकली डन हो जाता है।
तो सीढ़ी से पीढ़ी बनने का यही एक सिंपल सा प्रोसेस है। आशा करता हूँ इस प्रोसेस को आप समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आप इस प्रोसेस को समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिए। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कॉमेंट करके बताएं, मैं ट्राई करूँगा आपको उस टॉपिक पर वीडियो लेके आने का। बाकी ये वीडियो जैसा मिलेगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गैलू।